देखिए, मेरा काम है खेलना और मैं ग्राउंड में जितना भी है जो मेरी एबिलिटी है वो मैं शो कराता हूँ। और मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं करता हूँ। और कोशिश होती है कि ऑन द डे जो है वो अपना बेस्ट पॉसिबल दूँ। जैसा कि आपने बताया है कि आपने भी देखा, सबने देखा कि आप एक तनकीद के एक दौर से गुजरे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने एहसास को कंट्रोल में रखा और आपने अपने बल्ले से साबित किया कि तनकीद भी इस तरह से नहीं होती। एनीवे, तो ओवरऑल कैसे देखते हैं आप लीग को? और दूसरा ये कि मैंने शाम से भी क्वेश्चन किया था, रिगार्डिंग लीग में आपने देखा कि यंगस्टर्स के जो है परफॉर्मेंस, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो ओवरऑल क्या आप देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए आगे चल के कुछ असिस्ट बन सकते हैं? थैंक यू। देखिए, जो आपने पहला सवाल किया उसमें तो तनकीद तो हर टाइम आप किसी भी स्टेज में आप फेस करते हैं। और मैं इन चीज़ों पे बॉदर करता नहीं हूँ ना देखता हूँ। देखिए, मेरा काम है खेलना और मैं ग्राउंड में जितना भी है जो मेरी एबिलिटी है वो मैं शो कराता हूँ। और मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं करता हूँ। और कोशिश होती है कि ऑन द डे जो है वो अपना बेस्ट पॉसिबल दूँ और इंजॉय करूँ। मेन चीज़ ये है कि इंजॉय करूँ और क्रिकेट को इंजॉय करूँ। मैंने किस तरह मैच जितवाने हैं, किस तरह मैंने परफॉर्म करना है, वो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में ये जो बाहर वाली चीज़ें वो मेरे हाथ में नहीं है। वो मैं ना उसको अपने जो एक सर्कल में वो लाता हूँ। हर एक की अपनी ओपिनियन है और हर एक का अपना सोचने का तरीका है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरी अपनी गेम का पता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको डे बाई डे जो है वो अच्छा और इम्प्रूव करता रहूँ। और मेरा काम है परफॉर्म करना। और देखें, ओवरऑल जिस तरह आपने बात की, PSL में हर बारी हर सीज़न में हमें कुछ ना कुछ टैलेंट मिला है। आप किसी भी आप पांच जितनी भी टीमें हैं उसमें जो उनके मर्जिंग या कोई भी उनका यंगस्टर है वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, वो अच्छी डेवलप हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे आप ऐसे आप यंगस्टर आपके इर्द गिर्द हों या कोई भी टीम उनको चांस देती है तो वो अवेल करते हैं, तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि वो आपको एक नज़र आता है यार ये बैट्समैन आगे जाके बन सकता है या ये बॉलर या ये जो फास्ट बॉलर स्पिनर जो भी है तो ये आके आपको वो पाकिस्तान में सर्व कर सकता है, तो आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी जो हैं वो यंगस्टर हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इंशाल्लाह विश हम गुड लक फ्यूचर के लिए कि वैसे ही अच्छा कंटिन्यू जो है वो परफॉर्म करें।